गैसने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या होती हैं टैबलेट्स क्यों होती हैं टैम्पलेट टैबलेट को यूज़ करना हमने देखा बहुत ही मज़ा आया था और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाले लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया तो ये जो वीडियो है जरा म्यूट कर लेते हैं इसको वरना डबल डबल मेरी आवाज़ आपके कानों को जो है भा जाएगी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ मैंने क्या बताया था आपको मैंने कहा था कि यहाँ देखो टैम्पलेट्स जो होती हैं वो आपकी एक क्लास की टेम्पलेट होती है अब ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास से बनता है वहां पर क्लास टेम्पलेट होती है लेकिन टेम्पलेट क्लास को ही बना देती है कैसे बना देती है इस बारे में बात करते हैं देखो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई थी वैक्टर मैंने आपसे कहा था यार देखो वैक्टर के अंदर क्या हो सकता है इंटीजर हो सकता है वैक्टर के अंदर कैरेक्टर हो सकता है कुछ भी हो सकता है वैक्टर के अंदर ठीक है तो आप क्या हर चीज की अलग अलग क्लास बनाओगे हाँ आप अलग अलग क्लास बना सकते हो लेकिन वो होगी आम जिंदगी कुछ ऐसा समझ लो टेम्पलेट्स होगी मैंटो जिंदगी तो हम लोग मैंटो जिंदगी जियेंगे हम लोग यहाँ पर जल्दी से एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखने वाले हैं टी ऊट सिक्सटी फोर डॉट सी पी पी बॉयलर प्लेट कोड डालने में बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम जूम इन करेंगे और एक क्लास बनाएंगे क्लास का नाम वैक्टर ही रखेंगे क्योंकि यार वैक्टर वैक्टर अच्छा लगता है यार वैक्टर तो वैक्टर है ना तो कुछ भी रख सकते हो यार नाम वेक्टर कोई ऐसी चीज़ नहीं है वेक्टर का बस ये है कि थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा मैं ले पाता हूँ वैक्टर से यहाँ पर क्लास बनाता हूँ सबसे पहले एक नॉर्मली क्लास बनाऊँगा मैं ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा नहीं तो आपको यार ये क्या बनाए जा रहे हो परेशान मत करो ठीक है वो नहीं चाहता मैं आपको मुझसे मैं आप पर कहूँगा इंडस्टार ए आर आर मैंने एक इंटीजर पॉइंटर बना दिया और एक इंटीजर साइज़ बना दिया ठीक है अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ये सब तो चीज़ों में तो अब तक आप कंफर्टेबल होने चाहिए यार अगर आप नहीं हो तो यार दिक्कत है मतलब ऐसे मक्खन की तरह निकलना चाहिए अगर आप सोते से भी उठा के मैं आपको कंस्ट्रक्टर लिखवा दूँ तो आपका कंस्ट्रक्टर एकदम सटीक होना चाहिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कहूँगा ए जो है उसको बराबर कर दो न्यू एंट यार हम सी प्लस प्लस में इसलिए न्यू यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा साइज ठीक है और साइज़ को सेट करूंगा उससे भी पहले मैं कहूंगा साइज़ इज इक्वल टू एम तो साइज़ को मैंने एम सेट किया और यार आर इज इक्वल टू ये कर दिया ये मेरा जो है एक इसका क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर बन गया है ठीक है अब आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड वगैरह कर सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं एक एक फंक्शन लिखूंगा और मैं इसका नाम सम लिखूंगा इनफैक्ट सम वैक लिखूंगा और इसको मैं एक वेक्टर एम परसेंट वी दे दूंगा और मैं यहाँ पर करूँगा क्या ये जो सम वैक है वो क्या करेगा इसका सम निकालेगा ठीक है वैक्टर का तो ये क्या रिटर्न करेगा ये इंट रिटर्न नहीं करेगा ये रिटर्न करेगा हमारा एक वैक्टर ही रिटर्न करेगा ये ठीक है ये एक वैक्टर ही रिटर्न करेगा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वैक्टर सम वैक और मैं यहाँ पर करूँगा क्या एक वैक्टर बना लूँगा जिसकी वैल्यूज में सेट कर दूंगा या फिर मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ कि इसका जो सम है वो यहाँ पर दे सकता हूँ और इसका सम या डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं यार कुछ भी ले सकते हो यार अब मतलब मैं बस एक सिंपल फंक्शन बनाना चाहता हूँ यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट मैंने एक वैक्टर वी दे दिया मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा int d इज इक्ल टू जीरो यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज इक्ल टू ज़ीरो एक फॉरलूप लगाऊँगा कहूँगा इंट आई इज इक्ल टू जीरो आई को चलाऊंगा साइज तक और उसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा d प्लस इज इक्वल टू क्या करूँगा ये जो वेक्टर है अभी हमारा इसका जो वेक्टर है यानी कि दिस का ए आर आर जो ये करंटली वेक्टर है जो इंस्टेंस है इसलिए दिस यूज़ किया मैंने मैं कहूँगा दिस का ये और इसमें ऐड कर दो क्या कुछ इसमें आप ऐड नहीं करो इसमें किस तरह से निकलता है डॉट प्रोडक्ट एक हम लोग सबसे पहले ये वेक्टर का लेते हैं और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ए आर आर आई से तो ए आर आर आई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मैं यहाँ पर क्या करूँगा रिटर्न कर दूंगा डी रिटर्न कर दूंगा तो मैंने एक डॉट प्रोडक्ट नाम से बना लिया इसको ठीक है तो अभी अगर मैं यहाँ पर कहूँ वैक्टर वी वन ठीक है वैक्टर वी वन मैंने इस तरह से लिख दिया और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ये जो हमारा वी वन है इसको मैं इनिशलाइज़ करना चाहता हूँ मैं कहूँगा वी वन का जो साइज़ है मैं इनफैक्ट वी वन को कुछ ऐसे कर देता हूँ इसका साइज थ्री कर देता हूँ और मैं वी वन का जो ए आर आर है मैं कहूँगा इसका जो वी वन का ए आर आर है इसको क्या कर दो v1 के ए आर आर जीरो को कर दो फोर फिर वन और टू को भी इसी तरह से मैं कर दूंगा ठीक है वन और टू को भी इसी तरह से कर दो कोई वैल्यू दे दो मान लो मैंने इसको दे दिया थर्टी फोर इनफैक्ट ये एरो मैं नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि यार ये कोई पॉइंटर नहीं है यहाँ पर मैं डॉट यूज़ करूँगा तो वी वन डॉट ए आर आर जीरो इजिकल टू ये अब क्या है ना कि मैंने इसको पब्लिक नहीं किया इसलिए इसको दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं यार इसको पब्लिक कर देते हैं अभी वी वन डॉट ए आर आर जीरो इज ईक्ल टू फोर हो गया इसको मैं थ्री कर देता हूँ इसको मैं वन कर देता हूँ ठीक है इस तरह मैंने इसको वन कर दिया और ये करने के बाद मैं सेम काम क्या करूँगा वी के साथ भी करूँगा और यहाँ पर v2 टू में लिख दूंगा और यहाँ पर इसको मान लो मैं वन कर देता हूँ इसको ज़ीरो कर देता हूँ और इसको वन कर देता हूँ अब मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा कि v1 वन डॉट डॉट प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट मैं करा दूंगा किससे v2 से करा दूंगा और ये जो चीज़ है इसको मैं स्टोर करूँगा एक इंटीजर में इज़ एकल टू ये और मैं सी आउट ए और एंडल कर दूंगा तो अभी मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो आप लोग देखो कि इसने मुझे डॉट प्रोडक्ट निकाल के दे दिया है लेकिन यार ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है ये कैसा मजाक कर रहा है मेरे साथ ये कह रहा है कि यार इन मेम्बर फंक्शन इन वैक्टर डॉट प्रोडक्ट आपने कुछ गड़बड़ करी है क्या गड़बड़ करी यार मैंने क्या गड़बड़ करी है सी प्लस प्लस भाई बताओ तो सही क्या गड़बड़ करी है मैंने ये मैंने यहाँ बंद किया ये मैंने यहाँ बंद किया पब्लिक मैंने, मैंने इस तरह से लिखा इसको वेक्टर मैंने इस तरह से लिखा सब कुछ तो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ पर कंट्रोल टीचर्स एंड ऑफ नॉन वॉइड फंक्शन तो कंट्रोल रीचेज ओके तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि कुछ इस तरह से मुझे बाद में रिटर्न करना है डी को फॉर loop के अंदर नहीं करना है पहले मैं सम कर लूँगा सारे फिर उसके बाद रिटर्न करूँगा डी को तो ये मुझे कहाँ मिल रहा है लाइन नंबर चलो अब इसको फिर से रन करके देखता हूँ और ये चला गया मेरा वार्निंग तो ये बेसिकली मुझसे कह रहा था कि आ, तुमने क्या किया यहाँ पर फॉर के अंदर रिटर्न कर दिया तो एक तरह से वो मुझे वार्निंग दे रहा था बढ़िया है मैंने अपनी गलती को ठीक कर लिया और यहाँ पर देखो क्या ये सही है फोर मल्टीप्लाई बाय वन क्या होता है फ़ोर मल्टीप्लाई बाय वन होता है फ़ोर ठीक है थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो होता है और वन मल्टीप्लाई बाई वन वन होता है फ़ोर मल्टीप्लाई बाय वन हो गया मेरा फोर फोर और वन फाइव हो गया ठीक है तो फोर और वन मेरा फाइव हो गया ये ट्वेंटी सिक्स मुझे क्यों दे रहा है तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ लगता है तो मैं ए आर आर आई को मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए किससे मैं मुझे इसके वी के ए आर आर आई से मल्टीप्लाई करना है तो एक गड़बड़ ये करी वी डॉट ए आर आई से करना है मुझे दिस का ए आर आर आई को वी को ए आई वी के ए आर आर आई से करना है और अभी देखो सही आ गया तो फोर वन जै फोर और फोर प्लस वन फाइव डॉट प्रोडक्ट फ़ाइव आ गया ठीक है अभी मेरा डॉट प्रोडक्ट सही आ गया अब ज़रा सोचो यहाँ पर कि मान लो मुझे मेरे जो नंबर्स हैं वो फ्लोट होते हैं मान लो तब तो मैं क्या करता अब आप में से ये लोग कह सकते हो कि यार फ्लोट होते तो उसको फ्लोट कर दो अगर मैं इसको मैं काम करता हूँ उसको पूरा नीचे लेके आता हूँ कंट्रोल डी करता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ठीक है अब अगर ये फ्लोट होते तब क्या करता मैं तब मान लो मैं इसको वन पॉइंट ये लिख रहा हूँ ठीक है इसको मैं थ्री पॉइंट ये लिख रहा हूँ इसको मैं जीरो पॉइंट ये लिख रहा हूँ सिमिलरली इसको मान लो मैं जीरो पॉइंट ये लिख रहा हूँ इसको वन पॉइंट नाइन ज़ीरो लिख रहा हूँ और इसको फोर पॉइंट वन लिख रहा हूँ क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा डेफिनेटली नहीं ये काम नहीं करेगा तो मैं इसको अगर चलाऊँ अभी तो इसने अभी मुझे रिज़ल्ट तो दिया है लेकिन वो रिज़ल्ट गलत है डेफ़िनेटली गलत है क्योंकि मैं अगर मल्टीप्लाई करके इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो वो ये क्वांटिटी नहीं आएगी कुछ और आएगा इसने इसको इंटीजर में ले लेके यहाँ पर एक अजीब सी वैल्यू दे दी है जो भी निकल के आई विच इज़ नॉट राइट ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को सटीक लाने के लिए टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे वो कैसे करेंगे दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे करेंगे मैं क्या कहूँगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा टेम्पलेट और टैम्पलेट लिखने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूँगा टेम्पलेट लिखूँगा सबसे पहले और इसके ऊपर लिख दूँगा क्लास टी ठीक है टेम्पलेट क्लास टी तो जैसे ही मैं टेम्पलेट क्लास टी लिखूँगा इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ मैं टी यूज़ कर रहा हूँ वो एक वेरिएबल है वो मैं स्पेसिफाई करूँगा बाद में तो अगर मान लो मेरा यहाँ पर फ्लोटिंग एरे बन रहा है तो मैं टी यहाँ इसको फ्लोट लूँगा साइज़ तो इंटीजर ही रहने वाला है हर बार फिर यहाँ पर मेरा न्यू इंट ना होके ये फिर न्यू टी हो जाएगा जहाँ जहाँ मुझे एक कस्टम डेटा टाइप यूज़ करना है वहाँ वहाँ मैं डी टी लिख दूंगा ठीक है वहाँ वहाँ टी लिख दूंगा मैं और यहाँ पर और काम मुझे टी लिखना है डी इज इक्वल टू ज़ीरो मैंने किया है इसको भी मैं टी लिखूँगा क्योंकि यार अगर मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो उसमें जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जुड़ेंगे तो मैं उनके प्रोसीजर को रिटेन करना चाहूँगा ना और ये भी टी रिटर्न करेगा यार डॉट प्रोडक्ट फिर इंटीजर का अगर मैं इंटीजर से प्रोडक्ट करके सम करूंगा सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से प्रोडक्ट करके सम करूँगा तो वो एक फ्लोट ही आएगा ना और इंटीजर का इंटीजर आएगा तो मैं इसको कस्टम रखना चाहूँगा टी अब जब मैं इसकी क्लास को यूज़ करूँगा और मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो मैं यहाँ पर स्पेसिफ़ाई कर दूँगा मैं कहूँगा कि देखो भाई ऐसा है मैं यूज़ करना चाहता हूँ इसका इंट मैं टी को इंट स्पेसिफ़ाई करना चाहता हूँ और यहाँ मैं बोल दूँगा मैं इसको फ्लोट स्पेसिफाई करना चाहता हूँ और अब देखना यहाँ पर मेरी वैल्यूज़ बिल्कुल सही सही आएंगी तो खैर यहाँ पर भी मैं फ्लोट ही रखूंगा इसको इसको फ्लोट रखूंगा इसको भी फ्लोट वैक्टर रखूंगा और अब देख रहे हैं ये तीन आ रही थी ना वैल्यू अब सही आएगी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आप चाहो तो कैलकुलेटर से इसको निकाल लेना मैंने इंट यहाँ पर कर दिया मुझे यहाँ पर इसको फ्लोट करना चाहिए था फ्लोट इज इक्वल टू तो ये करना चाहिए था और देखो सिक्स आ रही है सिक्स पॉइंट एट टू विल बी दी राइट आंसर क्योंकि जो v1 वन डॉट डॉट प्रोडक्ट वी है वो मुझे रिटर्न करेगा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और वो चीज़ कैलकुलेट होकर बिल्कुल सही सही आएगी मेरी टैंपलेट की सहायता से ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस बार मैंने कस्टम डेटा टाइप अपना दे रखा है अच्छा अगर टेम्पलेट नहीं होती तब तो आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते आप फ्लोट के लिए एक अलग क्लास बनाते इंट के लिए एक अलग क्लास बनाते और फिर आपके और कोई अगर डेटा टाइप आपको सपोर्ट कराने हो उसके अलग आप बनाते क्लास तो कितनी यहाँ पर आपकी मेहनत जो है वो बच गई एक ऐसी बात स्पेसिफाई करके कि भाई मैं ये वाला डेटा टाइप यूज़ करना चाहता हूँ और मैं ये स्पेसिफाई कर दूंगा बाद में तो क्या होगा कि ये जो क्लास है इसके अंदर मैं हार्ड कोड कर देता इस डेटा टाइप को इससे अच्छा मैंने इसको एक एक तरह से मैंने वेरिएबल के तौर पे पास कर दिया अपने डेटा टाइप को ही बात को ध्यान से सुनना मैंने क्या किया डेटा टाइप को ही पास कर दिया मैंने क्लास से कहा ये जो टेम्पलेट थी मेरी इससे कहा कि यार क्या डेटा टाइप यूज़ करना है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा ये मैं क्या करूँगा तुम्हें बाद में बता दूंगा ऐसे मैंने बोल दिया तो इसीलिए लिए यहाँ पर टेम्पलेट क्लास टी मैंने ऐसे लिख दिया है और मैं फिर यहाँ पर आराम से इसको अलग अलग डेटा टाइप के लिए बना सकता हूँ अगर मैं डबल बना रहा हूँ तो मैं डबल के लिए भी बना सकता हूँ फ्लोट ज़रूरी नहीं है डबल अगर मैं कर दूँ यहाँ पर यहाँ पर मुझे डबल करना पड़ेगा ठीक है इसको अभी रन करूँ तो यहाँ पर देखो सिक्स आ रहा है अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालू इसका एक्चुअली वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय तो मैं अगर एक्चुअल में इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूँ वन पॉइंट फोर uh, मल्टीप्लाई बाय uh, मेरा क्या आ रहा है जीरो पॉइंट वन फिर थ्री पॉइंट थ्री को वन पॉइंट नाइन से करना है थ्री पॉइंट थ्री को वन पॉइंट नाइन से करना है इसको वन पॉइंट नाइन से करना है यार अपना आंसर चेक कर रहा हूँ मैं और उसके बाद क्या करना है उसके बाद यहाँ पर जीरो पॉइंट वन को फोर पॉइंट वन से करना है जो कि पॉइंट फोर वन हो जाएगा तो इसमें मैं पॉइंट फोर वन जोड़ दूंगा पॉइंट फोर वन जोड़ दूंगा और ये देखो सिक्स पॉइंट एट टू आ गया बिल्कुल सही सही आंसर मेरा आ रहा है अगर इंटीजर्स में पास कर दूं यहाँ पर तो इंटीजर वेक्टर में बना लूंगा तो बड़े आराम से मैं वेक्टर जो है बना सकता हूँ यहाँ पर अब ये जो वेक्टर मैंने बनाई मेरा अपना कस्टम वैक्टर था ये क्लास मैंने बना रखी है खुद से ठीक है तो ये मैं इस तरह से बना सकता हूँ कोई भी चीज़ बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई फायदा इसकी अगर फायदे की बात की जाए तो फ़ायदा इसका ये है कि जहाँ मुझे इसी चीज़ के दस अलग क्लासेस बनानी पड़ती मैंने एक ही क्लास बना के अपना काम कर लिया ठीक है तो टेम्पलेट की सहायता से मैंने स्पेसिफाई कर दिया मैं कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ कैसे अगर आपने अभी तक ये C++ की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग इसको ज़रूर एक्सेस करें क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है पिछले वीडियो में मैंने एकदम कवर किया था टैम्पलेट ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया था फिर मैंने प्रैक्टिकल करके भी आपको बता दिया तो ये प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने देख ली तो मैं आप लोगों को कम से कम इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए जा रहे हो दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टार्ट अगर सी प्लस प्लस आपको नहीं भी आता है तो आप स्टार्टिंग से देखो टाइम दो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन दो दिन में सीख जाओगे पूरी सी प्लस प्लस इस बात की मैं गारंटी देता हूँ नहीं सीखोगे लेकिन टाइम दोगे अगर तो इतने अच्छे से सीख जाओगे कि आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बादशाह बन जाओगे ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ प्ले लिस्ट एक्सेस करो वन से स्टार्ट करो थोड़ा टाइम रखो पॉकेट में अपने पास ऐसा नहीं है कि आज करना है मुझे कल मुझे पूरी सी प्लस प्लस खत्म करनी है जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता जल्दी का काम शैतान का होता है ठीक है तो सी प्लस प्लस ट्यूटोियल हिंदी प्लेलिस्ट एक्सेस करो और यार मेरे लिए वीडियो लाइक कर दो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इस तरह के वीडियोज़ को लेकर आने में आप लोगों के लिए एक लाइक करोगे मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम आपका जाएगा बट मेरा दिन जो है वो बन जाएगा तो आई होप कि आप लोग सब लाइक करोगे थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.